हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीना और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सब्जी जो कि बनाने में बहुत आसान है और आप इसे हस्बैंड और बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे कैसे बनाती हूँ। देखिए गाइस, इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने जो वेजिटेबल्स ली हैं उसमें मैंने गाजर को लिया है, मटर ली है, एक कटोरी प्याज ली है, ये फूल गोभी मैंने ली है, ये शिमला मिर्च है और ये बंद गोभी है जो जिनको कि मैंने बारीक काट कर रख लिया था, और ये मैंने हरा धनिया लिया है, ये हरी मिर्च मैंने ली है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने ये सारी वेजिटेबल्स ली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इन्हें कैसे तैयार करती हूँ। कढ़ाई मैंने रख ली है और अब मैं गैस को करती हूँ ऑन, और अब मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। जीरा मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज डालने के बाद इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक ही हमें इन्हें भूनना है। और उसके बाद मैं इसमें मटर डालूंगी, क्योंकि मटर थोड़ी सख्त होती है तो उसको सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मैं मटर ही इसमें डालूंगी, उसके बाद और वेजिटेबल्स इसमें डालूंगी। देखिए प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, मैंने इसको ज़्यादा नहीं भुना है। और इस प्याज को थोड़ा भुनने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी जो मैंने काट कर रखी हुई थी, और इसके बाद मैं इसमें अब मटर ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने मटर डाल दी है और गैस को मैंने लो पर रखा हुआ है, और अब मैं इसको ढक दूंगी एक कांच के ढक्कन से। मटर को आप चेक कर लेते हैं, ये देखिए इसी तरह से हमें मटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है, क्योंकि मटर थोड़ी सख्त होती है, तो जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाएगी तब तक हम इसमें दूसरी सब्जी नहीं डाल देंगे। मटर देखिए हमारी सॉफ्ट हो गई है, कितने अच्छे से ये भुन गई है। और अब मैं इसमें डालूंगी गाजर और शिमला मिर्च। ये मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ और अब शिमला मिर्च। इसको चला देते हैं, इसे भी थोड़ी देर हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने मटर को सॉफ्ट किया था। थोड़ी देर हम इसको भी ऐसे कुक होने देते हैं। मैं इसे कवर कर देती हूँ। लगभग एक मिनट हो गया है और अब मैं इसमें बाकी की जो सब्जी है वो डाल देती हूँ। इसको पहले मैं चला कर देखूंगी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये फूल गोभी। फूल गोभी मैंने इसमें डाल दी है, और अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ ये बंद गोभी जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं, ये मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सब्जी को बनाने के लिए मैंने गैस को स्टार्टिंग से ही लो पर रखा हुआ है, और सारी सब्जी को मैं एंड तक लो फ्लेम पर ही बनाऊँगी, क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, तो मैं इसको इसी तरह से बनाऊँगी। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए सब्जी को चेक कर लेते हैं, सब्जी हमारी प्रॉपर कुक हो गई है और इसको लगभग 10 मिनट हो गए हैं मैंने इसे अच्छे से कुक किया है। ये देखिए कितने बढ़िया से ये बन गई है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। मसाले मैंने इसमें इसलिए नहीं डाले थे पहले, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, तो इसलिए मैंने इसमें मसाले नहीं डाले, मसाले जल सकते थे। तो अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ, और
ये थोड़ा सा मैं आलू मसाला इसमें डालूंगी जो हम दम आलू की सब्जी बनाते टाइम यूज़ करते हैं। ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसे डाल रही हूँ थोड़ा इसको टेस्ट देने के लिए। और अभी मैं इसमें नमक भी डालूंगी और मसाले डालने के बाद इसे बस 1 मिनट तक ही कुक करना है। थोड़ी सी देर ही हमें इसे कुक करना है, उसके बाद हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ और अब लास्ट में मैं डाल देती हूँ हरा धनिया और गैस को कर देती हूँ बंद। और हरा धनिया डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला देती हूँ। देखिए हमारी कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। आप सब्जियों को थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं, बट उनको थोड़ा कुक होने में टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ये थोड़ा जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। इसमें मैंने आलू का यूज़ नहीं किया है, तो ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तैयार है सब्जी, हम सर्व कर लेते हैं। कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम टिफ़िन बॉक्स में भी बना सकते हैं या बच्चे जैसे पिकनिक वगैरह जाते हैं तो बाहर जाते समय ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम हमारी सब्जी कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।